और मार्केट को अभी थोड़ा सेटल होने दो कि ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक्सपायरी ट्रेड लेता नहीं हूँ, और कौन सा दिन लेता हूँ, जब मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो एक बार हम यहाँ पे ट्राई करेंगे छोटा सा रिस्क लेते हुए। हेलो फ्रेंड्स, स्कल्पिंग सीरीज की एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज का डेट है मंडे 22 जुलाई एंड टाइम 12:04 हो चुका है। आपको क्या लगता है कि मैं कोई ट्रेड लिया या नहीं लिया? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं मिड कैप निफ्टी का कैंडल, आप देखो यहाँ पे जो चार्ट है मिड कैप निफ्टी का, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो क्या मूव देखने को मिला विदाउट प्रॉपर रिट्रेसमेंट। एंड मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बढ़िया मूव दिया था, और प्रीमियम में भी बहुत स्पाइक देखने को मिला। और इस तरह की सिचुएशन में स्कल पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। हालांकि मैंने होल्ड नहीं कर पाया, बार बार पोजीशंस बनाया था, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा हो गए थे। मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि हम एवरीडे करते हैं ट्रेड इनिशिएट करने से पहले बैंक निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, जो मैं हमेशा कह रहा था कि 200 इज क्रूशियल सपोर्ट, उसके नीचे ओपन हुआ था 52,120 के आसपास, 40 के आसपास ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद 200 को टेस्ट की एंड देन बढ़िया फॉल, कहां तक 51,800 तक यहां पे फॉल देखने को मिला। तो मैंने यहां पे एक पोजीशंस भी बनाया था पुट साइड, राइट, वो मैंने जल्दबाजी से बना और रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत तेजी से प्रीमियम मूव कर रहे थे। उसके बाद मैं मिड कैप निफ्टी में भी शिफ्ट हो गया और वहां पे भी मैंने ट्रेड्स ली, बहुत ज्यादा ट्रेड्स की, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो यहां पे 800 लो बना के ऑल द वे यहां पे इसने जो हाई बनाया 52,400 के आसपास, एक मेजर ट्रेडिंग जोन में यहां पे रेजिस्टेंस ले लिया। अभी अगर हम यहां पर एनालिसिस करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो क्लियर देखने को मिल रहा है कि मेजर ट्रेडिंग जोन के बिलो आ रहा है। ठीक है, अभी भी ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 52,200, इम्पोर्टेंट सपोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है। और जो मैंने पहला ट्रेड लिया था यहाँ पर, तब क्या था, वो नीचे से इस लेवल को 52,200 लेवल का अप्रोच कर रहा था, दैट्स मीन वो रेजिस्टेंस था, लेकिन वो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट देखे एक बढ़िया रिट्रेस ले रहा है, 52,200 को कर रहा है टेस्ट। अगर इस लेवल के नीचे आ जाते हैं तो हम भी यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे, जो अभी हम जो ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में वो पुट साइड में हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, बजट का जो मूव है, और मोदी जी जब संसद में स्पीच दे रहे थे तो और बढ़िया मूव देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है 52,200, उसके अबव है हम बुलिस हैं, उसके नीचे तो बियरिश। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, 5,57,300 रुपीज प्रॉफिट अभी देख सकते हो, आज के दिन हमने बुक कर चुके हैं। क्वांटिटी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो ये स्कैल्पिंग था और हम तेजी से एंट्री एंड एग्जिट ले रहे थे, तो इसमें आप इन्फ्लुएंस मत होइए, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा था, मोर देन 6-7 लाख, दैट्स वाई ये पॉसिबल हो पाया, और ये एवरीडे होता नहीं है। सबसे पहले मैं एक्सपायरी ट्रेड लेता नहीं हूँ, और कौन सा दिन लेता हूँ, जब मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलता है, इस तरह की मूव देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कि मार्केट में है अनसर्टेनिटी, तो इसलिए प्रीमियम डीके भी नहीं हो रहा है, तो ये स्कल्पर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करना, लेकिन हमेशा एग्जिट बटन में ध्यान देना है अगर आप एक्सपायरी डेट ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, एग्जिट ज़्यादातर होल्ड नहीं करना, ओके, अगर आपको होल्ड करना ही है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो, उसको होल्ड करो, तब सही रहेगा मेरे हिसाब से। एक दिन आपका प्रॉफिट हो भी जाते हैं तो किसी दिन चला जाएगा, ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। और फायर्स में भी हमने जो पोजीशंस लिया था वहाँ पे भी देखिए 50,000 से जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, आज के दिन ही यहाँ पे 35,000 के आसपास अभी भी प्रॉफिट देख सकते हो, तो उस सीरीज को भी आप देखना ना भूले। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करते हुए यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इसको आप कर दो इग्नोर, ओके, और मार्केट को अभी थोड़ा सेटल होने दो कि ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे आ जाएगा, जैसा करेगा वैसे हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं कॉल साइड में एंट्री लूँ, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में नहीं, तो मैं उसको मिड कैप निफ्टी में लेना चाहूँगा, और मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम में दिस इज काइंड ऑफ पायरेसिंग पैटर्न, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे से ओपन हुआ एंड अभी देखो प्रीवियस डे कैंडल के मिडिल के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, सो ये काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न होते हैं। तो अगर हम कॉल साइड में जाएंगे तो निफ्टी मिड कैप को सिलेक्ट करेंगे, ओके, ये है धन का टर्मिनल और मैं स्कैल्पिंग के लिए इसको प्रेफर करता हूँ, इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, तो आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हो एक ही जगह में, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा टोटल पीएनएल ऑर्डर बुक एक ही विंडो पे, राइट। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्राइक को ऐड करना है तो देखिए ऑप्शन चेन में जाऊँगा एंड यहाँ से मैं कॉल का पोजिशन ये मैंने सिलेक्ट करके रख लिया, बट अनदर स्ट्राइक होना चाहिए, तो
यहाँ से, ये तो आज का एक्सपायरी 29 वाला। और अगर मुझे पुट साइड में पोजीशंस लेना है तो पहले तो बैंक निफ्टी को नीचे आने दो एंड देन हम पुट साइड में जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स सी आज के 26 मिनट, एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शंस ले रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, बट ओवरऑल जो व्यू है ना वो अभी भी बुलिश है। यहाँ पे जो एक बेस बनाने की कोशिश हो रहा है वो है कि 400 के नीचे अगर आ जाते तो हम बियरिश हो जाएंगे, तो 400 में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है जैसा कि मूव है। तो एक बार हम यहाँ पे ट्राई करेंगे छोटा सा रिस्क लेते हुए, तो पहले तो मैं क्वांटिटी सेट कर दूं। ओके, हो चुका है एंट्री और फर्स्ट ट्रेड की। अभी यहाँ पे जो एसएल है, एसएल रहेगा यहाँ तक 198 इज आवर फाइनल एसएल, एंड थोड़ा सा क्वांटिटी और 400 या 500 क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करूँगा अगर 206 के आसपास मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर मैंने कर चुका हूँ एसएल प्लेस्ड। अगर देखिए कोई इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगा, कुछ क्वांटिटी में इसको ऐड करूंगा, मैक्स क्वांटिटी 1800 होंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिलते हैं या फिर ये 400 के बिलो आ जाते हैं। अगर 400 के बिलो आ जाएगा तो हम इंतजार करेंगे, कॉल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी कम है, नेक्स्ट एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा जो प्राइस का मूव है वो आप देख सकते हो। तो आवर एसएल इज फिक्स्ड, अभी हम एक्सपायरी ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे हैं कि देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस तरह की कैंडल बना रहा है या एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, थोड़ी अप डाउन बेस बना रहा है, बेस बना के अगर रैली दे देते हैं तो इट्स ओके, इट्स गुड, करंट प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट मूव दे सकता है। अगर इसके नीचे आ जाएगा तो हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन आज के दिन वो बुलिश है, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो अभी देखिए 200 आ चुका है, कभी भी हिट हो सकता है, एंड अभी हम कोई और पोजीशन नहीं लेंगे, बढ़िया प्रॉफिट में हम क्लोज कर रहे हैं आज के दिन। यहाँ पे लिक्विडिटी उतना होता नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी है, राइट। और वैसे भी अभी देखो जो क्या कैंडल बन रहा है उतना मूव नहीं है, ओके, तो इसलिए अभी बेहतर होगा कि हम कोई और ट्रेड ना ले, एंड नेक्स्ट डे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, हो चुका है हिट, इसको क्लोज करता हूँ, ये 450 क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, स्क्वायर्ड ऑफ इंस्टेंट सेल। अभी शायद यहाँ पे प्राइस 196, यहाँ पे 196.75, तो नॉर्मल यहाँ पे जाके मैं मार्केट कर देता हूँ, एंड लेट्स एग्जीक्यूट, एंड कंप्लीट हो चुका है, 5,31,000 प्रॉफिट आज के दिन हमने बुक कर चुके हैं, इट्स ओके, इट्स ग्रेट। इस स्कल्पिंग सेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इस ट्रेड की बात करें तो 26,000 लॉस हमने बुक किया, इट्स ओके, चलिए सेशन को करते हैं क्लोज। एंड अभी भी अगर मेरा व्यू की बात करें तो जब तक 52,200 के अबव है तब तक मैं यहाँ पे कोई भी बियरिश साइड पोजिशन नहीं बनाऊंगा। 52,200 एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। अभी मैं ध्यान दूंगा लेस क्वांटिटी में जो फायर्स में हम ट्रेड करते हैं वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर मैं ट्रेड बनाऊंगा, तो सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको धन या फायर्स में अकाउंट ओपन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड सबसे बड़ी बात जीरोधा में भी आप बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका एज बिलो 25 है, एंड आफ्टर अकाउंट ओपन ये जो कोर्सेज है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।